एडजेक्टिव्स में हमने पढ़ा था कि एडजेक्टिव्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें नाउन के बारे में और इन्फॉर्मेशन देती है तो बिल्कुल आर्टिकल्स उसी की तरह होते हैं, एडजेक्टिव्स की तरह ही होते हैं, जो कि हमें नाउन के बारे में बताती है इट इज़ यूज बिफोर द नाउन किसी भी सेंटेंस में अगर हम आर्टिकल्स यूज कर रहे हैं तो वो आर्टिकल्स नाउन से पहले यूज होती है ठीक है आया समझ आर्टिकल्स एडजेक्टिव्स की तरह होते हैं जो कि हमें नाउन के बारे में बताती है और आर्टिकल्स नाउन से पहले यूज होते है अब बेटा हम देखेंगे टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स आर्टिकल्स की बेटा दो टाइप्स है द फर्स्ट वन इज इन डेफिनेट आर्टिकल एंड द सेकेंड इज डेफिनेट आर्टिकल जो बेटा इनडेफिनेट आर्टिकल है उसमें ए और एन आता है और डेफिनेट आर्टिकल में द आता है अब पहले हम देखेंगे इनडेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल्स 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 किसे कहते हैं हैं वो होते है, जो उन नाउन्स को इंडिकेट करते हैं जो स्पेसिफिक नहीं होती है मीनस जो पर्टिकुलर नहीं होती है और ए और एन जो है वो क्या है वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स है उसके बाद है बेटा डेफिनेट आर्टिकल्स वो आर्टिकल्स जो उन नाउन के साथ लगती है जो स्पेसिफिक होते हैं जो पर्टिकुलर होती है और द डेफिनेट डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं ठीक है दो है दो टाइप्स इनडेफिनेट आर्टिकल आर्टिकल एंड अब बेटा हम देखेंगे ए और एन कहाँ पे यूज होता है किसी भी सेंटेंस में अगर नाउन सिंगुलर है और काउंटेबल है एक तो सिंगुलर और उसके बाद काउंटेबल भी होना चाहिए काउंटेबल मतलब जिसको आप गिन सको तो वहां पर ए और एन का यूज होता है फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ कार सेकेंड एग्जाम्पल रिया हैज एन एप्पल आप देखिए इसमें फर्स्ट सेंटेंस में हमने ए यूज कर रखा है और सेकेंड सेंटेंस में हमने एन यूज कर रखा है तो अब हम देखेंगे ए कहाँ पे यूज करना है और एन कहाँ पे यूज करना है तो सबसे पहले हम एन देखेंगे एन इज यूज्ड व्हेन वर्ड बिगिंस विथ अ वॉवल साउंड एन हम तब यूज़ करते हैं जहाँ पर वॉवल साउंड के साथ बिगिन होता है मतलब जो वॉवल साउंड के साथ बिगिन होता है तो वहाँ पर हम एन का यूज़ करते हैं आपने आपको पता है कि हमारे पास फाइव वॉवल्स है ए, ए आई ओ यू ये बेटा पांच वॉवल्स है और इनको छोड़कर जो बाकी लेटर्स है वो कंसोनेंट है आपने उमूमा सुना होगा कि अगर कोई भी नाउन वॉवल लेटर से स्टार्ट होता है तो हम वहाँ पर एन का यूज़ करते हैं लेकिन बेटा ऐसा नहीं है आपको वॉवल लेटर को नहीं देखना है आपको उनके साउंड को देखना होता है ठीक है तो वॉवल पाँच हमारे पास है तो उनके साउंड्स यहाँ पर मैंने दिए हैं पहला है आई ओ ओ रा आम आ, आ, आ ये सारे बेटा वॉवल साउंड्स है और इनसे पहले आपको एन का यूज़ करना है अब यहाँ पे मैंने पहले एग्जाम्पल दी है इंक पॉट अब देखिए पहले आप देखेंगे कि काउंटेबल नाउन है इंक पॉट एक काउंटेबल नाउन है उसके बाद आपको साउंड देखना है अब देखिए इंक पॉट यानी ई की आवाज़ आ रही है तो ई क्या है वॉवल साउंड है तो यहाँ पर आप एन का यूज करेंगे ठीक है सेकेंड है ऑक्टोपस वॉवल वर्ड से शुरू हो रहा है वॉवल लेटर से शुरू हो रहा है साउंड बी ओ आ रही है यानी वॉवल साउंड आ रही है तो यहाँ पर आप एन ऑक्टोपस लिखेंगे इसी तरह से थर्ड है एप्पल तो आप यहाँ पर वॉवल लेटर से स्टार्ट हो रहा है साउंड भी आपको चेक करनी है आ साउंड आ रही है तो यहाँ पर आप एन का यूज़ करेंगे ठीक है इसी तरह से एन ऑरेंज एन एम्बरेला ठीक है आपको साउंड देखना है और आप एन का यूज आप वहां पर करेंगे ठीक अब बेटा इसमें एक्सेप्शन है अब देखिए कोई भी वर्ड कंसोनेंट लेटर से अगर स्टार्ट होता है लेकिन हम उसको वॉवल से प्रोनाउंस करते हैं तो वहां पर आप एन का यूज करेंगे अब देखिए पहली एग्जाम्पल है ऑनेस्ट मैन अब देखिए इसमें एच साइलेंट है जो कि एक कंसोनेंट से स्टार्ट हुआ है लेकिन हम उसको वोवल साउंड से पढ़ रहे हैं हम उसको वोवल साउंड से पढ़ रहे हैं यानी ऑनेस्ट मैन यानी ओ की आवाज निकल रही है ठीक है तो यहां पर आप एन का यूज करेंगे ठीक है आप वोवल साउंड चेक करेंगे ठीक सेकेंड है एन आर अब देखिए यहाँ पर भी एच जो है वो क्या है कंसोनेंट है लेकिन एच साइलेंट है और आवाज ओ की आ रही है तो आप यहां पर एन आर लिखेंगे थर्ड है एग्जाम्पल एन ऑनरेबल गैस अब देखिए एच साइलेंट है आवाज कौन सी आ रही है वॉवल की आ रही है ओ की आ रही है तो यहां पर आप एन का यूज करेंगे ठीक है बेटा आए समझ अब हम बेटा देखेंगे ए ए हम कहां पे यूज करते हैं वर्ड बिगिन विथ है कंसोनेंट साउंड जो कंसोनेंट साउंड के साथ बिगिन होती है ठीक है जो कंसोनेंट साउंड के साथ बिगिन होते हैं तो वहां पर हम ए का यूज करते हैं ठीक है अब बेटा आप देखिए कंसोनेंट यहां पर मैंने एग्जाम्पल दी है बॉय अब देखिए बेटा पहले हम देखेंगे ये काउंटेबल है तो बॉय जो है एक काउंटेबल नाउन है उसके बाद आप साउंड चेक करेंगे अब देखिए यहां पर आ, ब की आवाज निकल रही है यानी कंसोनेंट की आवाज निकल रही है कंसोनेंट साउंड निकल रहा है तो यहाँ पर आप ए बॉय लिखेंगे सेकेंड है एबर्ड ब की आवाज निकल रही है तो आप एबर्ड लिखेंगे ठीक बिफोर ए सिंगुलर नाउन बिगनिंग सिंगुलर नाउन से पहले भी हम ए का यूज करते हैं जैसे ए बुक ए स्कूल ए डॉ अब बेटा कुछ ऐसे वर्ड्स है जो कि वॉवल लेटर से स्टार्ट होते हैं लेकिन आ, लेकिन वोवल लेटर से स्टार्ट होते हैं बट उनका जो साउंड होता है वो कंसोनेट होता है तो वहाँ पर हम ए का यूज़ करते हैं ना कि एन का यूज़ करते हैं अब देखिए बेटा यहाँ पे एग्जाम्पल है यूनिवर्सिटी देखिए यूनिवर्सिटी वर्ड जो है वो किस से स्टार्ट हुआ है वॉवल से स्टार्ट हुआ है लेकिन बेटा आपको साउंड चेक करनी है यूनिवर्सिटी यानी य की आवाज निकल रही है तो यहां पर आप ए का यूज करेंगे ठीक ए यूनिवर्सिटी उसके बाद है बेटा य की आवाज आ रही है तो आप लिखेंगे ए यूनिफॉर्म ठीक है आया समझ अब है बेटा द बिफोर यूनिक ऑब्जेक्ट द हम यूनिक ऑब्जेक्ट से पहले यूज करते हैं जैसे द सन सन क्या है यूनिक है तो उससे पहले हम द का यूज करेंगे द स्काई द मून ये सारे क्या है यूनिक ऑब्जेक्ट्स है तो उनसे पहले दा का यूज़ होता है सेकेंड है बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेंस रिवर्स ओशन डेजर्ट एट्सट्रा माउंटेंस रिवर्स ओशंस के जो नाम होते हैं उनसे पहले भी हम दा का यूज़ करते हैं ठीक है उसके बाद है बेटा सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी हम द का यूज करते हैं जैसे द बेस यानि बेस से पहले हम द का यूज करेंगे टॉलेस्ट टॉलेस्ट से पहले हम द का यूज करेंगे तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले भी हम द का यूज करेंगे तो ये था आपका टॉपिक आई होप आपको समझ में आया होगा